शांतिवन के डायमंड हॉल में आयोजित हुआ कल्चरल इवेंट। इंदौर हॉस्टल की कुमारियों का हैरतअंगेज प्रदर्शन, नारी शक्ति का दिखाया नमूना। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में आयोजित कल्चरल इवेंट में इंदौर हॉस्टल की कुमारियों ने अपनी हैरतअंगेज प्रस्तुति से लोगों को अचंभे में डाल दिया। लगभग 2 घंटे तक चले इस इवेंट में दर्शक टकटकी लगाकर कुमारियों के हुनर को निहारते ही रहे। भारत सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन ईश्वरीय नारा है अध्यात्म और योग के बल से नारी को शक्ति स्वरूपा बनाओ। ईश्वर के इसी नारे को हकीकत में तब्दील करने का गवाह है इंदौर हॉस्टल, जहां की कुमारियां सुबह उठकर सबसे पहले राजयोग ध्यान और ईश्वरीय ज्ञान का अभ्यास करती हैं। उसके बाद कुमारियां अपनी स्कूली पढ़ाई के लिए स्कूल रवाना हो जाती हैं। दिन भर अपनी स्कूली पढ़ाई को पूरा करने के बाद जब ये हॉस्टल वापस आती हैं, तो ये थककर आराम करने नहीं चली जाती हैं, बल्कि अपने हुनर को और निखारने के लिए 1 से 2 घंटे तक लगातार अभ्यास करती हैं। जब हॉस्टल की इंदौर में शुरुआत की थी, ओम शांति भवन बना था और पहले तो थोड़े से ही बच्चे थे, लेकिन भाई जी बहुत अचल अडोल रहते थे और बच्चों पर बहुत मेहनत करते थे भाई जी, और हम लोगों को भी कहते थे भाई जी कि देखना यही बच्चे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। एकांत में प्रतिदिन किए गए उनके अभ्यास का यही एक नतीजा है जो आज डायमंड हॉल में उपस्थित हजारों लोग उनकी हिम्मत और हुनर को देखकर अचंभे में है। आओ सुनाए आज नारी शक्ति की कहानी, इतिहास रच के छोड़ी अपने नाम की निशानी। कौन कहेगा कि कोमल से दिखने वाली कुमारियां ऐसा कमाल करके दिखाएंगी। लोग तो ऐसा ही समझेंगे कि ये लड़कियां किसी प्रोफेशनल से प्रशिक्षण लेती होंगी, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। ये राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास का ही नतीजा है जो अपने बल और विवेक से ऐसा कर पाती हैं। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल peacenewsgws को सब्सक्राइब करें।